सॉरी कहाँ है ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ मेरी ये सब मेरे साथ सच हुई है ठीक है ना। तो अभी जो है तो मैं ना एकदम है ना परेशान कर रहा था तो मैंने उसको अपना टैग का सबका ही मार दिया था सच में एकदम वहाँ पर मारा था टैग और गलती से जब नहीं करते पूरा ऐसे हाथ मुन्नी के सामने लगे बैठे बैठे ऐसे पता नहीं क्या बोलते उसको मैं ऐसे हुआ और मैम चली गई सच में मेरा पसीना बस चार दो घंटे तक ऐसे बैठ रहा सच में और वहाँ से मेरा पसीना निकल गया था सच में पसीना निकल गया था। और एक और स्टोरी है मेरी और दूसरी सेकंड और उसके अंदर मेरे साथ बहुत गंदा हुआ भी क्या हुआ मैंने कूद वूद रहा था मैं ड्राइंग तो मम्मी चाय पी रही थी चाय के ऊपर मैं किया और मम्मी फ्लैश एक किलोमीटर की तेजी पे भाग रही थी उसके नीचे वाले थे ठीक है ना भाई मैं तो दम दम मारा उन्होंने मेरे को पकड़ लिया था मैं सबसे सोचे के आया और मेरे तो मारा ने उस तक जोर से हाथ पकड़ा एकदम दबा दिया मेरा हाथ मेरा रोना तो नहीं निकला लेकिन मैं सॉरी सॉरी बोलने लगा ये तो स्टोरी टाइम मेरे साथ हुई थी। एक दिन मैंने बहुत हजार दिन में मेरे स्कूल में और बहुत उसके दिन बाद मम्मी से लड़ वाह हर भाई ऐसे क्यों अब मैं नहीं सोची भाई चाय ये भी मैं पहुँच गया था उसको इतनी क्या दिक्कत लेनी थी सबसे मैं पहुँच गया था मैं था पाँच या फिर एक दो चार पाँच दो का था मैं दो साल बच्चे को कौन मारता है भाई इतना क्यूट सा बच्चा क्यों भाई क्यों जब सबसे छोटा है घर में फिर भी और हैप्पी दस 17 साल का 17 साल का पापा थे 48 और मम्मी 45 थे 45 का तो मैं सच में भाई मेरे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा भाई इतना जोर से हाथ कौन पकड़ता तो ये मेरे साथ रियल में हुई थी मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ सच में भाई मैं रो तो नहीं सच्चे में कुछ नहीं हुआ पता नहीं यार नहीं मेरे को क्या हुआ डर हुआ कि मेरे को एकदम ऐसे दबाया या फिर झापड़ मारा पता नहीं क्या क्या मुझे याद तो ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा सा याद है इसका शाम का टाइम था तो सच्ची में भाई मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ और मेरी क्लास में है ना पता नहीं एक डेढ़ घंटा हुआ था पाँच घंटे बाद है ना तो हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है ठीक है ना खाना खाने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद फिर हमारा क्लास ख़त्म हो जाता एक दो घंटा पढ़ाई करते हैं फिर लंच ब्रेक आते हैं
फिर थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, फिर हम लोग निकल लेते हैं घर की तरफ, ठीक है ना। तो हमें घर छोड़ दिया जाता है, हैप्पी आते हैं मेरे भाई, और मैंने वो मम्मी को वो चीज़ मैंने बताई थी, मेरे को बहुत लंबा लगा था जिस वक्त मुझे मारा सच्चे में इतना जोर का, उनको सच्चे में मैंने पढ़ाई नहीं, और वो पता नहीं कौन सी मैंने पता नहीं नाम भूल गया, लेकिन तुम लोग मैम ही भी बताऊँ, मैम ने जो मुझे ऐसा मारा था ऐसा वैसा कर कर, मेरे को अच्छा बिल्कुल नहीं लगा रहा दोनों दिन में, और मुझे बहुत साल तक ये याद रहा। 200-300 साल तो हो ही चुके हैं ना, तो भाई मेरे को अभी तक याद है वो दो दिन। और एक और स्टोरी टाइम है, तो मैं ना फ्रिज में से अपनी आइसक्रीम निकाल रहा था, पता नहीं क्या वो पानी वाला, और वो मेरे मुंह से गिरा, सच्चे में ठीक से रख नहीं वाला था, वो मेरे मुंह से गिरा। और एक और चीज हुई, मैं आइसक्रीम खा कर पिघल गई थी, गिरने वाला वापस वो ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा, और मैं देख रहा था नहीं। तो मैं फिर वापस आया थोड़ी देर बाद, मैंने कॉलेज की कोशिश की, निकल नहीं रहा था, मेरा हाथ ही फंस गया था, और अचानक से वो गिर गई, सच में गिर गई वो। लग रहा है कि वो मेरे, मैं उससे चौड़ा था मेरा हाथ, इसलिए मैंने उसको ऐसे कर कर छोड़ा, ठीक है ना। तो आज की स्टोरी टाइम वीडियो खत्म हो चुकी है भाई, बाय बाय।